आज का हमारा टॉपिक है टॉर्च इन्फेक्शन। देखते हैं कि टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है। ये बच्चे लोगों में सबसे कॉमन ये है, बच्चे लोगों में ही होता है। कंजेनाइटल इन्फेक्शन होता है, मतलब कि मदर से ही आता है, जन्म के साथ आता है ये टॉर्च इन्फेक्शन। तो टॉर्च इन्फेक्शन में होता क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो ही इससे इन्फेक्टेड हो जाती हैं, और उनके इन्फेक्टेड होने से उनके बच्चे में इस इन्फेक्शन का असर होता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों में होती है। जैसे सेरिब्रल पाल्सी में प्रीनेटल कॉज में ये आता है, उसी तरह कुछ कुछ बच्चे जो ये होते हैं कि डिलेड माइलस्टोन होता है, या फिर सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर ऑटिस्टिक बच्चे, उन सब में इस ये इन्फेक्शन कॉमन होता है, टॉर्च इन्फेक्शन। देखते हैं टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है। ये एक ग्रुप ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, जिसमें T4 होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O में अदर एजेंट्स आता है जैसे सिफिलिस, वेरिसेला, जोस्टर, प्रो परवो वायरस, V19, रूबेला, C4 साइटोमिगेलो वायरस, H4 हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। ये ग्रुप ऑफ वायरसेस ये मिल के और टॉर्च इन्फेक्शन इनको कहा जाता है कंबाइंडली। एक नया वायरस इसमें जुड़ा हुआ है रिसेंटली, जीका वायरस बोलते हैं उसको। ये सब टॉर्च इन्फेक्शन ग्रुप के वायरस। तो ये क्या करते हैं कि मदर में इन्फेक्ट करते हैं, मदर को जब प्रेग्नेंट होती है मदर, और उससे मदर के इन्फेक्शन से बच्चे को इन्फेक्शन लग जाता है, और बच्चा जब ये होता है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन। हिपेटोस्प्लेनोमिगैली, बच्चे में क्या होगा कि उसका लीवर स्प्लीन का साइज बड़ा होता है, हेपेटोस्प्लेनोमिगैली, इसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आएगी। फीवर, लेथार्जी, मतलब वीकनेस टाइप, बच्चा एकदम वीकनेस टाइप होगा, वीकनेस होगा उसको, एकदम सुस्त सा पड़ा लगे, लेजी। डिफ़िकल्टी फीडिंग, उसको खाना पीना खाने में प्रॉब्लम होती है। एनीमिया रहेगा, हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी होगी। जॉन्डिस होता है, कोरियोरेटिनाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी, इसका फिजियोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है वो देखते हैं। कॉज्ड बाय इन यूट्रो इन्फेक्शन विथ वन ऑफ द टॉर्च एजेंट्स अफेक्ट्स फीटल डेवलपमेंट। ये मदर के यूटेरस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे बच्चे में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो अब देखते हैं प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो क्या होता है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मदर जब प्रेग्नेंट होती है, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो फर्स्ट तिमाही जो होता है, ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में डॉक्टर आपका डायग्नोस करेगा, अगर टॉर्च इन्फेक्शन लगा हुआ तो पता चलता है। तो वहाँ अगर ये हो जाता है तो वहीं अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए इन्फेक्शन का प्रेगनेंसी के टाइम में ही, तो बच्चे में नहीं आ सकता है, संभावना कम हो जाती है बच्चे में आने की, तो प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चे को, नहीं तो फिर तो उसको इन्फेक्शन लगता ही है। डायग्नोसिस देखते हैं इसका क्या होता है। प्रेजेंस ऑफ IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन डायग्नोसिस, प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन M एंड परसिस्टेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन G, इसका टेस्ट कराया जाता है, वो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट में देखिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसा उसका ये रहेगा किस किस तरह का सिम्टम आ रहा है उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चों में क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी होते हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी में प्रीनेटल कॉज हो रहा था ये टॉर्च इन्फेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसका उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बोले कि सिम्टोम